ये गर्मा गर्म गर्मा गर्म चाउमीन है क्या? हाँ चाउमीन ही है भाई भैया। और वो सामने सर्दियों की दवा एकदम ऐसा घुसा है देखो, मतलब जरा सी भी इसने उसी के पीछे चल रहा है, उसी के पीछे चल रहा है देखो। हाँ जैसे ये पीछे बंधा हो उसमें, देखो देखो कार वाला क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव थोड़ा काम से। काम क्या, भैया हैं एक हमारे, उनसे मिलने। और हमारे साथ में जा रहे हैं ये, इनको आप में से सभी लोग जानते होंगे। मस्ती तो होगी, हम चल रहे हैं तो। हाँ मस्ती तो होगी बेहतरीन। और बाकी चलते हैं अभी हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा तो नहीं आए होंगे, ये 15-20 किलोमीटर आ गए होंगे। बाकी और याद आया कि अभी तो ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया है हम लोग। हाँ तो भैया ने याद दिलाया कि चल तो रहे हो, तुमने ब्लॉग की स्टार्टिंग तो करी नहीं, वहीं पहुंच के करोगे क्या जब एंड करना होगा। और फिर जब याद आया तो याद आया तो बस खोल दिया कैमरा, लग गए बनाने, चलते हैं। तो भाई और कोई नहीं, बस पीछे सामान है, अब बस हम दोनों लोग चल रहे हैं अकेली जिंदगी। चलते हैं रास्ते में मिलवाते हैं आपसे, जहाँ जहाँ रुकेंगे जो भी चाय पानी करेंगे तो दिखाते हैं आगे। और अपने एक खासम खास भैया से मिलवाते हैं जिनसे हम लोग मिलने वहाँ जा रहे हैं। आप में से बहुत लोग उन लोगों को जानते भी होंगे, और बाकी देख लेंगे तब तो पहचान ही जाएंगे। खैर तो चलो शुरू करते हैं, ये रखते हैं सीक्रेट। तो ये कुछ व्यू आ रहा है, और अभी तो हम लोग जस्ट अभी आधे घंटे पहले निकले ही हैं घर से, अभी तो 7-8 घंटे की ट्रिप है पूरी। दिखाते हैं जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ का व्यू। अभी लगभग 300-350 किलोमीटर अभी बच रहे होंगे। बाकी रोड भाई साहब इतनी खचब की बनी हुई है यहाँ पे। चलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट स्टॉप कर लेते हैं तो बताते हैं। बाकी और मानसू भैया कुछ बताना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस वही ड्राइविंग है और गाने को एंजॉय। गाने चला नहीं सकते ना, कॉपीराइट लग जाएगा। बाकी सॉन्ग का एंजॉय तो वही रहा है, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करो अपने घर में बैठ के आराम। तो भाई 237 किलोमीटर कवर कर लिए हम लोगों ने अभी। अब हम लोग अपने यहाँ के स्नैक्स जो लेके आए थे वो खा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। क्या है, आरजे नूडल्स बढ़िया है, बढ़िया टेस्ट, बढ़िया। जहाँ भी मिलती हो तो खाएं जरूर इसको, एक बार टेस्ट करके देखें, है बढ़िया प्रोडक्ट है, लोकल है। मान लो जिसका ब्रांड उठ जाता है तो उठ जाता है, जो नहीं होता है तो। चीज बढ़िया है, लोगों को बढ़िया स्वाद दे रहा है, खाने के हिसाब से अच्छा है। एक छोटे बच्चे को हमने खाते हुए देखा था, हमने कहा चलो अपने ट्रिप की व्यवस्था हो गई। वैसे भी हम लोगों की लो बजट ट्रिप रहती है। और एक चीज भाई बता दें, आप लोग विश्वास नहीं करोगे उस चीज का, गाड़ी का एवरेज। हाँ भैया पकड़ लिए, सस्पेंस, ये सस्पेंस है भाई, इसको हम अगले व्लॉग में इसको रिवील करेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद फिर बताएंगे। हाँ या तो वहाँ पहुँचने के बाद बता देंगे। तो फिर आप निकालना क्या एवरेज निकाला है गाड़ी ने भाई, कमेंट करना। हम तो निकाल लिए हैं, बाकी आपको डिटेल्स दे देंगे, आप लोग कमेंट में बताना नीचे कितने का इसने एवरेज दिया, इतना दे सकती है एक डिजायर भाई। हम मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल मैंने कभी भी इतना ना एवरेज निकाला है, और ना मुझे भरोसा था कि इतना एवरेज दे देगी भाई। यदि देती तो एक आप हिंट दे दे, ये इसने मेरी पल्सर आरएस को बीट कर दिया एवरेज के मामले में। उसका एवरेज मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका भी इसने मतलब बीट कर दिया बिल्कुल। मैंने बढ़िया है, लग नहीं रहा था। अब तो हमको लग रहा है हमें आरएस छोड़ के इससे ट्रैवलिंग शुरू कर देनी चाहिए, बस इसका टोल थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बाकी ठंड से बचत पिछली वीडियो में देखा होगा, इस वीडियो में देखो हम लोग कैसे बैठे भाई, हाफ कच्चे में बैठे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं यार, अपना खा रहे हैं पी रहे हैं चलते जा रहे हैं। और जो लास्ट उसमें हम लोगों ने करा था कि खाना आना लेके गए थे हम लोग घर से, इस बार एक गलती हो गई, हम लोग खाना नहीं लेके आए। अरे कोई नहीं, अभी आगे चलेंगे खा लेंगे चल के। अब जब यार इतना आरएस के बराबर का बजट लेकर चल रहे हैं ना, तो टोल ही तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। बात वो नहीं, घर के खाने का जो टेस्ट है। हाँ, बस वही है ना कि बाहर खाने का और घर का खाना नहीं बन पाता, स्वाद ही अलग है यार। वही तो भाई, यहाँ जो चीजें मिलेंगी ना
बाकी जो भैया के पास चल रहे हैं उनसे मिलवाते हैं वहाँ की कोई फेमस चीज़ चापेंगे चल के। फिर तो मजे हैं भाई। दांत बनाने चाहिए। बाकी ये तो गाड़ी चला रहा, बाकी हम तो मजे ले रहे हैं। इसका भी अलग मजा है। नहीं वो तो एक अलग मजा है, ये इसका मजा कुछ अलग है। हाँ वो हम भूल जाते हैं बात करने में, आप लोग भूल जाते हैं तो ये उतनी देर में चाप जाते हैं ज्यादा। भाई तो कह रहा ना इसका मजा कुछ अलग है। बाकी भाई एवरेज इसलिए इसने दे दिया क्योंकि मैंने आज तक कभी भी इतनी स्मूथ ड्राइविंग नहीं करी। मेरी 80 के ऊपर जा नहीं रही, 80 में लटक के रह जा रहा बिल्कुल। हम चलाते भाई 100, 120, 140 जितनी खिंच जाए रोड में। और इस बार भैया ने बोला 80 पे एकदम लेके चलो, एकदम नेट 80 पे। अच्छा एवरेज देती है लोग बोलते हैं। भाई 70 चल रहे थे और बोलना तो फेल ही हो गया बिल्कुल। मुंह बंद कर दिया इसने हमारा। जो हम बोलते थे भाई खर्चा कराती, इसने मुंह बंद कर दिया मेरा। वो एवरेज इसने बेहतरीन निकाला। बाकी है तो अपनी राम प्यारी ना, है तो अपनी दुलारी, ढकेली है ढकेली है ना। देखो बाथरूम लगा के फिर मैं चाहूँ। यहाँ जुगाड़बाजी चालू है, देखो बाहर को लगाओ अंदर कहाँ हवा लगेगी। अरे भाई बाहर गंदी होगी, अंदर अरे नहीं गंदी होगी। ये देखो जुगाड़बाजी लक्षकोजी जा रही। औ उठा सो, दब गई अंदर नहीं सूखेगी। ये भैया अपने चैनल का नाम आज ही लिखवाया इसमें बड़े बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में बोलना चाहेंगे कुछ। 120 रुपया वाली मतलब नहीं, इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ी जितना हम लोगों अकाउंट जो है ना। बाकी ये मेरी अपना ब्रांड अमूल माचो पाइन के नाचो। चलो अपना है चमकीन चखना, ये कानपुर का चखना यहाँ मिलेगा नहीं कहीं। अरे भाई असली वाला तो ये है, ये आरजे नूडल्स। आप लोग ये ना सोचेंगे हम लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं, ना हम लोगों को इसका बिल्कुल वो नहीं। हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम बता रहे हैं भाई की। हम लोग खा रहे थे ना भाई वीडियो पे। हाँ भाई हम तो इसको बाहर से लगाते हैं। बाहर लगाओ खराब हो जाएगी भाई, गंदी गंदी। अंदर ही डाल दो, अंदर ही से लगाए दे रहे हैं। पर भाई इसे सूखे हुए नहीं क्या मतलब, हटा हाथ हटाना भैया। चलो भैया कर लिया जुगाड़, चलते हैं बैठते हैं। तो फिर से उसमें रोक ली गई थी। चलो कोई बात नहीं, ये देखो ये एक और जुगाड़ हम कनपुरियों का डस्टबिन। यहाँ पे हाईवे और यहाँ से 180-190 किलोमीटर बचा है अपना वो। और ये गर्मा गर्म चाउमीन है क्या? ये चाउमीन ही है भाई। तो यहाँ अपना फिंगर रोल वगैरह, इनके पास अंडे वगैरह भी हैं तो हम लोगों ने ऑमलेट कराया अपने अपने लिए। ये देखो और वो सामने सर्दियों की दवा, पर वो हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग अपना इसी काम चला लेंगे। बाकी ठंड बेहतरीन है। पिछली बार हम लोगों की हालत देखी थी, इस बार देखो ये हालत है। इस बार बढ़िया मजा आ रही। पिछली बार तो टिटूर गए थे, ठीक है हवा बाहर निकलने पे लग रही है। बाहर तो बड़ी तेज हवा चल भी रही है। देखो पेड़ अपना कैमरा से देखो कहाँ पर है, पेड़ कितना हिला, हवा चल रही है यहाँ पे भाई। और कैमरा सेटअप क्या, ये कैमरा लगाया था हम लोगों ने सेटअप के लिए कि यहाँ से अपना दूसरे एंगल से एक व्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई ये है हमारा सेटअप और इसमें भी रिकॉर्डिंग ऑन है। अभी खा पी के निकलते हैं यहाँ से, फिर अपना आगे का दिखाते हैं। बाय तब तक के लिए। फिर से वापस बंद करो। तो भाई ऑमलेट जो है भाई एक नंबर, बहुत ही गजब का बना है। अंकल जी ने इस हिसाब से दुकान के हिसाब से बहुत आइटम डाल दिया इसमें। देखो ऊपर से चीज वीज सब कुछ डाल दी। और मानसो एक रिव्यू देखो भाई एक नंबर। पता है इतना क्रिस्पी बनाया है ना, लग ही नहीं रहा कि साला ऑमलेट है। ये बहुत बढ़िया बनाया। बाकी भाई जिसको खाना हो एक बाइट ले सकता है, इससे हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो भाई विंडशील्ड काफ़ी गंदी हो गई थी। ये पंप है, पंप में हम लोगों ने स्टॉप लिया था और शीशा बिल्कुल चमक गया आपकी। मंसू ये और पानी भर रहे हैं, देख देखो देखो देखो। बाकी चलते हैं, टाइम कितना हो गया, 10:47 इसमें दिखा रहा है। अभी टाइम ज़्यादा है, 11 बज रहा होगा कम से कम।
टाइम हो रहा, हाँ 10:57 11 बजने वाले हैं और हम लोग अभी मथुरा, हाँ मथुरा लगे हैं अभी आके, अभी काफी है हम लोग सो जाए और आराम से ही चलें, ज्यादा जल्दी भी जाके क्या कर लेंगे भाई। तो ठंड में जो लोग ऐसे बाइक ट्रकों के पीछे लगा लेते हैं ये बहुत रिस्की होता, बहुत ही ज्यादा रिस्की। मान लो अचानक ट्रक वाले के आगे कोई आ जाए, उसने एकदम अचानक ब्रेक लगा दी तो ये उसमें घुस जाएंगे पीछे से। और ये कितना गलत बात है भाई। ओ भाई अच्छी खासी स्पीड में चल रहा है ये, देखो हम लोग कितना 50 में तो हम ही चल रहे हैं और ये 50 करीब 55 60 पे है ये बंदा, एकदम ऐसा घुसा है, एकदम ऐसा घुसा है देखो, मतलब जरा सी भी इसने उसी के पीछे चल रहा, उसी के पीछे चल रहा देखो, हाँ जैसे ये पीछे बंधा हो उसमें, देखो देखो कार वाला क्या, देखो तो लग रहा है कि बंदा टोचिंग करके चल रहा है यार। तो उससे कैसे टोचिंग हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। टोचिंग तो देखो हट गया, हट गया पीछे, उधर हट गया मतलब क्या है भाई। अरे वो ठंड से बचने के लिए ना, पर भाई ये बहुत रिस्की है, आगे अगर जरा सा कोई भी आ जाता है तो ये क्या बोले भाई इन लोगों को। यार ठंड के लिए कपड़े पहन लो भाई, मगर इतना रिस्क यार रात में ट्रेवल ना करो भाई, हम तो कह रहे हैं अगर, पर कोई अगर इमरजेंसी है मान लो साइड में चल लो, थोड़ी ठंड लगेगी थोड़ी कम स्पीड पे चल लो, पर भाई ये बहुत ज्यादा रिस्की। देखो समझाते हैं इनको, समझाते क्या है भाई, ये गलत है ही है तो उसके लिए समझाना क्या है भाई। देखो उसको चलना है वो तो चलेगा भाई, 60 अप्रोक्स और नंबर चल रहा है 430 भाई, अब निकला है शायद इसने कैच कर ली मेरी बात और चला गया भाई। अब तो बड़ा तेज जा रहा है, पावर मिल गई क्या इसको, पास आ गई होगी बंदे की। गलत है भाई, ऐसे कभी मत करना, कोई भी मत करना भाई। चलो भाई बाकी टाइम हो रहा है, हम लोग पलवल, पलवल पहुंच गए भाई और टाइम हो रहा है 1:26। अब यहाँ से कुछ ही दूर की बची है और ट्रिप समथिंग 55 या 70 के अप्रोक्सीमेट कर लो, हाँ 70 के आसपास, 70 किलोमीटर बची बस, 70 के आसपास है। अभी पहुँच के हम लोग रुकते हैं, एक टी ब्रेक लेते हैं आराम से, फिर रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं आगे के लिए। चलो भाई धन्यवाद। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और टाइम हो रहा है सुबह के 2:27 और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन 35 किलोमीटर केवल 35 मिनट्स की है, 24 किलोमीटर 24 पहुँची है बस, अब कितना। और अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी अपनी टी एंजॉय भाई, कसम से बहुत ठंड है यहाँ पे और है भी, वो कुछ लग भी रही क्योंकि कपड़े नहीं पहने हैं हम लोग, कार के हिसाब से ऐसे बैठे हैं तो गाड़ी के अंदर सर्दी लग आधी आधी चट्टी में, हाँ यहाँ तो नहीं। बाकी भाई बिस्किट देखो भाई ने दिए क्या लाजवाब, एक अच्छा नंबर बिस्किट जो तुम्हारा पसंदीदा है, बढ़िया मेवा लगा हुआ भाई मिलन की घड़ी थोड़ी, जो मेवा ना जानता हो इट मीन्स ड्राई फ्रूट्स, हाँ ड्राई फ्रूट्स मेरे कहने का मतलब। ओ भाई समय हो रहा धीरे धीरे मिलने का, ओके बोल अभी चाय एंजॉय करते हैं और क्या, चाय एंजॉय करते हैं बाकी आगे कहीं देखते हैं, थोड़ा रेस्ट रेस्ट करते हैं, सुबह पहुंचेंगे उनके पास भैया के, ये अपने एक दो दोस्तों के साथ में जो हैं उनके पास चलते हैं, हाँ तो जो दो मिलने वाले हैं भाई लोग उनके पास चले जाएंगे, वो बाकी घूमेंगे देखते हैं, वहाँ भी कुछ यदि अपने को लेना होगा तो वहाँ से भी परचेज करेंगे, हाँ कुछ अगर अपने काम का मिल जाएगा अपने, हाँ तो देखते हैं। बाकी भाई वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें, फैला दें हर जगह, एकदम आगी लगा दो। और भाई पिछले दोनों वीडियोस में बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया आप लोगों ने, प्यार कम क्यों हो रहा है हम लोगों के बीच, आएगा प्यार भी आएगा ना बिल्कुल आएगा। तो बाकी टेक केयर गाइस, घर में रहें सही से रहें, बाय। और बाकी अभी फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच के, तब तक के लिए बाय बाय।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह का बज रहा है 7। ओ भाई इतना कोहरा पड़ा रात में। हाँ हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे भाई 4 बजे अप्रोक्स पहुँच गए थे, पर हम लोग आते ही सो गए, बड़ी भयंकर नींद लगी थी। अभी चाय वाय पीने के लिए निकले थे तो सोचा अपडेट कर दें, हमांस वही आ गए ऑर्डर लिखा के। चाय गर्म हो रही है, बन रही है। हमने कहा 7 बजे कानपुर का सीन देखो, 7 बजे यहाँ का देखो। अबे भाई देखो, यहाँ कानपुर में जमीन आसमान अंतर है भाई, बहुत कोहरा। देखो बाकी लोगों के बाल बाल देखो कैसे हो गए, जैसे नहीं चिड़ैया चिड़ैया पकड़ते रहे हो रात में, देखो एक दूसरे पकड़ रहे थे रात में। कुछ है व्यू, और कोहरा देखो भाई आगे इतना नहीं है पर है, मतलब बरका है, ठंड है। तो भाइयों चाय की चुस्की के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम आप लोगों को भैया से मिलवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।